Hello students, मैं अभिनव अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम तो पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इसमें आपका चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है मांग का नियम कि अगर बाकी सभी चीज़ें समान रहे तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिर जाती है, ठीक है, अब प्राइस के डाउन होने पर डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब डिमांड में कितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ये तो बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगा या प्राइस के डाउन होने पर डिमांड बढ़ जाएगा, मगर ये नहीं बताता कितना कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो ये जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितना जो है डिमांड बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं मांग की मूल्य सापेक्षता, ठीक है। तो मांग की मूल्य सापेक्षता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मांग का लोच कहते हैं, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर जे एस मिल ने, ठीक है। डेफिनेशंस के लिए आप बुक में इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 21 में है, मार्शल का, एल मेयर्स का, जॉन रॉबिन्सन का, और हिंदी मीडियम में मार्शल, बेहम और रॉबिन्सन का, या लर्न कीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, एंड थर्ड है आपका इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी को मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी को तिरछी लोच कहते हैं, ठीक है, ये देखिए हिंदी में लिखा है, और इनकम इलास्टिसिटी को आय लोच कहते हैं, मांग की आय लोच। तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है डिमांड का रिस्पांस प्राइस के चेंज होने पर, मतलब मूल्य में परिवर्तन होने से मांग की प्रतिक्रिया। मूल्य में अगर चेंज होता है तो मांग कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है बाजार में, वो हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब डिमांड का रिस्पांस, ये लाइन अंडरलाइन कर लें आप लोग, डिमांड रिस्पांस। वैसे ही अगर डिमांड अगर रिस्पांस अपना देता है, प्रतिक्रिया देता है किसी दूसरे वस्तु के प्राइस में चेंज होने पर, ठीक है, मतलब कितना चेंज आ जाएगा डिमांड में, वो कैसा प्रतिक्रिया दे रहा है, अगर उससे रिलेटेड वस्तु का कीमत में चेंज आ जाए, चेंज मतलब बढ़े या घटे, जैसे पेट्रोल और कार का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो कार का डिमांड बढ़ सकता है, और पेट्रोल का प्राइस अगर गिर जा बढ़ जाता है तो कार का डिमांड कम हो सकता है ना। वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी में जो डिमांड रिस्पांस करता है वो कंज्यूमर के मनी इनकम, मतलब कैसा वो अर्न कर रहा है, उसके हिसाब से डिमांड जो है रिस्पॉन्स देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए हमारी, तो फिर डिमांड हमारा बढ़ सकता है, और इनकम अगर घट जाए तो डिमांड कम हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सभी काइंड्स को, जिसमें पहला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच या मूल्य सापेक्षता, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज डिमांड में, किसके कारण, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में जो चेंजेस आया परसेंटेज, जिसके कारण डिमांड में कुछ परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। वस्तु की कीमत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन की माप प्रस्तुत करते हैं, तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे हम लोग, मांग की कीमत लोच या मूल्य सापेक्षता की श्रेणी बोलते हैं हिंदी में से। तो ये इसको प्रोपोर्शनेट मेथड है, जो मांग की कीमत लोच निकालने का, उसमें भी ये चीज काम आता है, ठीक है। सेकंड मेथड है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के बाद, या आउटले, टोटल आउटले के बाद जो मेथड होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, उसमें भी ये चीज हम लोग लिख सकते हैं,
डिग्री को, ठीक है। जैसे इसमें पहला है आपका परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, मूलतः बेरोजगार मांग, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो के बराबर होता है। सेकंड है इसमें परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेरोजगार मांग, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फेनाइट के बराबर होता है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं हम लोग, पूर्णतः बेरोजगार मांग, ये बताता है कि भाई आप जितना भी मूल्य बढ़े कम हुए हो जाए, मांग में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मांग में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मूल्य देखिए बढ़ रहा है ऐसे 10 से 15 20, इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट, नमक। जैसे नमक का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, हमारी डिमांड क्वांटिटी वही बने रहती है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में नमक का प्राइस पर केजी जो है 10 रुपीज से होके 15 रुपीज हो गया, बट क्वांटिटी डिमांडेड 2 का 2 ही है, देखिए टेबल में, तो 10 से 15 हो गया। अभी भी हम लोग दो क्वांटिटी यहाँ पे देखिए, ये लाइन सीधी जा रही डिमांड की, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा, ना तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है ना तो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ये डिमांड की लाइन जैसी की तैसी है ना। अगर ये 2 से 3 हो जाता तो राइटवर्ड शिफ्ट होता, डिमांड बढ़ जाता, और अगर 2 से 1 में आ जाता डिमांड, यहाँ लाइन आ जाती तो डिमांड गिर जाता बोलते, लेकिन यहाँ डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, डिमांड 2 का 2 है, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे प्राइस भले 15 हो गया फिर भी हम लोग डिमांड हमारी उतनी है, इवन प्राइस 20 भी हो जाए तो हमारी डिमांड 2 की 2 है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला बेस में जाए प्रोपोर्शनल मेथड के, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ, 2 था पहले भी अभी भी 2 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। प्राइस पहले 10 हुआ करता था, 15 हो गया, ठीक है, और पहले जो प्राइस था वो 10 था, पहले की क्वांटिटी 2 थी, ये सब करने पर 0 आ रहा है, तो ये प्रूव हुआ कि इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, है ना। मतलब कीमत में चेंजेस से डिमांड में मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिर आता है परफेक्ट इलास्टिक, पहले परफेक्ट इन इलास्टिक था, फिर हम लोग पढ़े परफेक्ट इलास्टिक, मतलब पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार के बाद पूर्णतः लोचदार, ये होता है इन्फेनाइट के बराबर, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है। यहाँ पर ये है कि भाई प्राइस उतने का उतना ही रहता है, लेकिन डिमांड अपने आप ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होते रहता है, ये लॉ कहता है आपको, ये कहता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है, हम लोग इसे पता करते हैं। ये टोटली इमेजिनरी सिचुएशन होता है, जरूरी नहीं है कि मार्केट में ऐसा कंडीशन हो, ठीक है। जैसे देखिए इस वाले हमने परफेक्ट इन इलास्टिक में पढ़ा था कि डिमांड चेंज नहीं हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस वैसा का वैसा ही बना है 15 का 15, बट डिमांड में शिफ्टिंग देख रहे हैं, है ना, 10 से 15 25 हो गया या 25 से 10 हो गया, ये शिफ्टिंग है डिमांड में, है ना। तो इसका भी फॉर्मूला सेम फॉर्मूला जो है हमारा, हम लोग निकालेंगे तो आएगा आपका इन्फेनाइट वैल्यू आएगी, जो मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन कहलाएगी, और इलास्टिसिटी डिमांड होगा इमेजिनरी मतलब इन्फेनाइट के बराबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। याद करने के लिए ये परफेक्ट इन इलास्टिक, ये परफेक्ट इलास्टिक, बेरोजगार रोजगार, पूर्णतः पूर्णतः, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया। ये आता है आपका इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ठीक है, बेरोजगार मांग अथवा इकाई से कम लोच, और इसके बाद इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक, पहले यूनिट इलास्टिक से लेस, फिर यूनिट इलास्टिक से ज्यादा, अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो 1 से कम होगा तो लेस देन का साइन है, और इलास्टिसिटी और डिमांड 1 से ज्यादा होगा तो मोर देन का साइन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जब कहा जाए कि मांग में जो परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में, ठीक है, वो मूल्य में मतलब प्राइस में परसेंटेज चेंज से कम होगा, मतलब प्राइस एकदम से बढ़ रहा है, ठीक है, बट डिमांड थोड़ी सी ही शिफ्ट हो रही है ना, ये कहा जाए, मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ा और डिमांड में चेंजेस कम आया, या प्राइस में जो भी चेंजेस आया उससे कंपेयर किया जाए तो डिमांड में उतना चेंज नहीं आया है ना। जैसे एग्जांपल के टेबल देखिए, शुगर का डिमांड यहाँ पे दिया हुआ है, पहले प्राइस 8 रुपये पर केजी हुआ करता था, तो क्वांटिटी डिमांड थी 10 किलोग्राम, जैसे ही 18 हो गया शुगर का प्राइस, तो
डिमांड हो गया 8 किलोग्राम, मतलब देखिए प्राइस में डिफरेंस आया है 8 से सीधे 18 रुपए, ठीक है, मतलब 10 रुपए बढ़ गया पर केजी, मगर डिमांड केवल 2 किलो कम हुआ, ठीक है, मतलब प्राइस में ज्यादा आया 10 रुपए का चेंजेस आया तो डिमांड में केवल 2 किलोग्राम का। इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे जो कि ये हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज, है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में देखते हैं कि प्राइस 8 से 18 हुआ बढ़ के और डिमांड 10 हुआ करता था, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ बैकवर्ड, मतलब लेफ्ट साइड में डिमांड कम हुआ, 2 किलोग्राम से 8 हो गया, है ना। तो ये जो आप देखते हैं जो हमने कलर किया हुआ एरिया पूरा प्राइस को दिखाता है कि प्राइस काफी ज्यादा कलर दिख रहा है एरिया जो है, इस प्राइस ज्यादा बढ़ा है बट डिमांड का कलरिंग एरिया थोड़ा कम है, तो ये थोड़ा मतलब उतना कंपेयर टू प्राइस डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आए। ये चीज हम लोग फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सेम फॉर्मूला चलेगा, चेंज इन प्राइस इंटू पी डिवाइडेड बाई क्यू, पी मतलब पुराना प्राइस मूल्य और क्यू मतलब पुराना क्वांटिटी 10, ठीक है, दोनों में अंतर मतलब पहले क्वांटिटी को देखा जाए तो पहले 10 हुआ करता था और फिर नया 8 हुआ तो दोनों का डिफरेंस, प्राइस पहले 8 हुआ करता था फिर 18 हो गया दोनों का डिफरेंस, तो 0.16 आ रहा है जो 1 से कम है, इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है, मतलब 1 बड़ा होगा 0.16 से, मतलब ये प्रूव होता है यहाँ पे कि इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन यूनिट मीन्स 1, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड या यूनिट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो, मोर देन यूनिट इलास्टिक, इसको बोलेंगे हम लोग अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक, है ना। अब इलास्टिसिटी और डिमांड 1 से ज्यादा होगी, इसका जस्ट अपोजिट, पहले प्राइस में हम लोग देख रहे थे कि ज्यादा चेंजेस आ रहा था बट डिमांड में ज्यादा नहीं आ रहा था परसेंटेज चेंज, बट यहाँ पे प्राइस में कम परसेंटेज चेंज आ रहा है और डिमांड में ज्यादा परसेंटेज चेंज आ रहा है, मतलब डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ तो। यहाँ पे एग्जाम्पल ये पेट्रोल का, पहले पेट्रोल 6 रुपए था तो क्वांटिटी सॉरी पहले 9 रुपए था, मान लो पहले क्या था 9 रुपए था तो क्वांटिटी मांगा जाता था 400, फिर जैसे ही 6 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 1600 लीटर, ठीक है, 6 रुपए पर लीटर है तो 1600, 9 रुपए पर लीटर है तो 400, मतलब यहाँ पे प्राइस 9 से हम लोग यहाँ पे जो साइन दिखा रहे तीर का ये नीचे आ रहा है तो 926 हो गया और डिमांड 400 थी, हम लोग यहाँ पे तीर दिखाया इधर, मतलब बढ़ के क्या हो रही है शिफ्ट होके राइट में शिफ्ट हो रही है और 1600 हो गई, ठीक है, मतलब मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ है, ये पूरा कलरिंग एरिया देखो डिमांड का ज्यादा है, वो प्राइस में परसेंटेज चेंज से कहीं ज्यादा है, ठीक है, तब क्या कहेंगे हम लोग इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 और मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अधिक लोचदार मांग। फॉर्मूला में पुट किए चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, तो पहले 1600 था, पहले 400 था फिर 1600 माइनस किए, पहले प्राइस 6 हुआ करता था ये 9 हुआ करता था 6 हो गया इनटू ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, तो ये आ गया 1.5 जो कि 1.5 से ज्यादा है तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ठीक है। देन लास्ट आता है आपका यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, लोचदार मांग अपना इकाई के बराबर मांग बोलते हैं, मतलब 1 के बराबर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि जब जितना भी परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में तो प्राइस में परसेंटेज चेंज के बराबर होगा, जैसे प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड भी 10% मतलब सॉरी बढ़ा नहीं, अगर प्राइस बढ़ता है घटता है 10% से तो डिमांड भी उतना ही 10% से बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल देखते हमने बनाया हुआ है क्लोथ का, कपड़ों का पर मीटर प्राइस है 5 तो क्वांटिटी मीटर में डिमांडेड थी 100, जब प्राइस 7.5 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 50 मीटर, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 से 7.5 ये प्राइस बढ़ गया और डिमांड 50 से 100 हुआ, ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करने पर ये आता है 1, ठीक है, 1 आएगा मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ही बराबर परसेंटेज में चेंजेस आया है प्राइस में भी और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा
अभी टाइप्स एंड डिग्री एंड डेफिनेशन इंट्रोडक्शन, तो क्या अभी हम लोग करेंगे मेजरमेंट, सॉरी हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी करेंगे अभी हम लोग आगे। इसमें प्रोपोर्शनेट मेथड हमने यहाँ पे देख लिया, ये प्रोपोर्शनेट मेथड के मेज इसको आप लिखते हैं सेम चीज, ठीक है। इसके आगे अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।